और 13 लाख हमारे प्रतीक्षा सूची राज्य में। यूं कहूं तो आपको दुख नहीं होना। रसीद छपवा करके सर सबों को बाटा करके सर के माध्यम से सर के माध्यम से 24,000 बन गया है, उसमें 21,000 का रसीद छपवा करके सर सीधा संख्या ना होगा राशि सर हमारी कुल राशि अभी तक जो सर जैसे नालंदा को उन्होंने बढ़ाया हम देखे भी हैं तो नाड़ी तीसरी बात ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं टिकट चापा कर जैसे कि आपका पूरा आगे का देख रहे प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार चलाती है, लेकिन उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है। और इसके अलावे 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, बिहार को नहीं मिला। 2022-23 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो चल रहा है उसमें भी एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। आज के तारीख में 13 लाख से ज़्यादा परिवार आवास की प्रतीक्षा सूची में शामिल है। और यूँ कहूँ बेगूसराय में आकर कि बेगूसराय से ही भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं माननीय गिरिराज बाबू। ये सिर्फ बिहार के गरीब वंचित नहीं, इनके क्षेत्र के भी गरीब वंचित हैं जिनको आवास चाहिए, जो अलंग पर बसे हैं, आहार पर बसे हैं, पोखर में बसे हैं, तालाब में बसे हैं, उनको भी आवास चाहिए, उनके लिए भी उनको सोचना चाहिए। बेगूसराय आकर मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, पहले तो मैं अनुरोध किया हूं जा कर के, मिला भी हूं, पत्र भी लिखा हूं, हमारे अधिकारी भी पत्र लिख रहे हैं, लेकिन बिहार के गरीबों के लिए शायद भारत सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं, तो भारत सरकार कहीं से इंतजाम करे और इन गरीबों के घर के लिए पा सके। अगर ये नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हम लोगों ने योजना बनाया है। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक भी गरीब बिना छत का नहीं रहेगा, उसके लिए बिहार में मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण हमने शुरू किया है। हम राज्य के खजाने से इन गरीबों को पैसा देंगे, घर बनाएंगे, हम इनके लिए काम कर रहे हैं और काम करेंगे। पहले कहा था कि 2022 तक एक भी घर नहीं बचेंगे, तो 2022 खत्म हो गया, 2023 चल रहा है और 2018 में जब एक वो लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में एक लक्ष्य नहीं मिला और 2023 जो भी चल रहा है उसमें भी लक्ष्य नहीं मिला और 13 लाख हमारे प्रतीक्षा सूची राज भर रहे हैं। यूँ कहूँ तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बेगूसराय के लोग हैं। गिरिराज बाबू जब से भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने हैं, बिहार के गरीबों का एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार से मनरेगा योजना की भी समीक्षा किया। मनरेगा योजना में ये जानकारी है कि भारत सरकार मजदूरों को जो मजदूरी है उसका पैसा भारत सरकार देती है और मटेरियल का पैसा भारत सरकार 75% देती है और 25% राज्य सरकार देती है। लेकिन मटेरियल में 1100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और दुख तो तब होता है कि मजदूरों को देने के लिए 23 जून के बाद एक छदाम भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया और 1100 करोड़ रुपया जो बकाया है वो भी लगभग एक साल
दही 2 साल से 2.5 साल से बकाया है भारत सरकार। कई बार अनुरोध हमने किया है कि मनरेगा के जो बकाए पैसे हैं उनको अब मजदूरों को मजदूरी समय पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन अभी तक भारत सरकार से इसका फलाफल नहीं मिला है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्राइम पूरी तरह बिहार में रुक गया, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने कभी नहीं कहा। क्राइम हो रहे हैं वो दुखद है, पत्रकार की हत्या हुई है बहुत दुखद है, चाहे हमारे पुलिस के जो थाना इंचार्ज थे उनकी भी हत्या हुई है समस्तीपुर में, बहुत दुखद है, जितनी निंदा की जाए थोड़ा होगा, लेकिन जो अपराधी हैं किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी तक कोई अपराधी बचा नहीं है, आगे भी कोई अपराधी बचे नहीं, इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे।